गिनती की पुस्तक अध्याय 30, गिनती की पुस्तक अध्याय 30, मन्नत मानने की विधि। फिर मूसा ने इसराइली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने वा अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर से रहते हुए यहोवा की मन्नत माने वा अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत वा उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बर्जे, तो उसकी मन्नतें वा और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने वा बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा वा त्यागी हुई स्त्री की मन्नत वा किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने वा शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से उसे तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे, उसके पति ने सब तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत व शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसको सब मन्नते आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है, उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं किया। और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही है।